गाइस, अगर मैं आपको बोलूं कि आज मैं आप सबके साथ एक ऐसा पानी, वाटर, एक टोनर बोलो शेयर करने वाली हूँ जिससे आप आपकी स्किन टोन को इम्प्रूव कर सकते हो, स्किन की इलास्टिसिटी को भी बढ़ा सकते हो, दाने को, पिंपल को, पिंपल के मार्क्स को, एक्ने को और ओपन पोर्स की अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये सारी प्रॉब्लम को आप एक ही पानी से ठीक कर सकते हो। तो आप भी बोलोगे कि दीदी प्लीज़ जल्दी से हमारे साथ ये शेयर कीजिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ वन्ना। तो गाइस, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, मेरा गला पूरा चौकअप हो चुका है, मुझे सर्दी और ज़ुकाम है। तो आपको एनर्जी थोड़ी वीडियो में डाउन भी लगेगी, तो आप प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो इसलिए है क्योंकि आपको ये जो मिक्सचर है वाटर जैसा, या आप इसे टोनर भी बोल सकते हो, इसे आपको सिर्फ एक ही बार बनाना पड़ेगा और आप इसे पूरे एक वीक तक लगातार डेली यूज़ कर सकोगे और इसके ना काफ़ी सारे स्किन बेनिफिट्स है। सबसे पहले तो अगर आपको चेहरे के ऊपर पिंपल, दाने हैं, दाने हो जाते हैं बहुत सारा, या तो पिंपल के आपको निशान रह गए हैं, स्किन आपकी ढीली ढीली लूज पड़ गई है, या तो स्किन काफ़ी ड्राई, तो उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा और आपकी स्किन को इम्प्रूव करने के साथ साथ ग्लोइंग बनाने में भी हेल्प करेगा। काफ़ी मेरी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर ऐसी है जो कॉलेज जाती है, हॉस्टल जाती है, या तो हाउसवाइफ होने की वजह से डेली डेली कोई अलग अलग पेक बनाने का उनको टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ एक ऐसा मिक्सचर शेयर कर देती हूँ जिसे ना आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। और ये मिक्सचर ना आप विंटर में, समर में और मानसून में यूज़ कर सकते हो। सबसे ज़्यादा आपको समर में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि समर में हमारा जो स्किन का कलर होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क पड़ जाता है, साथ ही साथ स्किन काफ़ी फीकी फीकी सी लगने लगती है। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो आप आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने मेरा हैंडल आपको बता दिया है। करंटली मेरे चैनल में गिव अवे 10 चल रहा है। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हो तो आपको मैं जल्दी से बता देती हूँ, यहाँ पर मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी। आपको लिखना क्या है वो भी आपको यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, साथ ही साथ आपको बताना है कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट बात गाइस, कि गिव अवे 9 का मैंने ऑलरेडी विनर अनाउंस कर दिया था, मोहम्मद मिराज को मैंने विनर बनाया था, बट समहाउ उन्होंने मुझे एड्रेस गलत दिया था तो पार्सल मेरे घर पर वापस आ चुका है। तो गिव अवे 9 का मैं फिर से विनर कोई सिलेक्ट करूंगी, तो गिव अवे 9 और गिव अवे 10 का रिजल्ट मैं 4 या 5 दिन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो आप डेली के वीडियोस देखना, अगर आप कोई विनर आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए आज का वीडियो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितना क्यूकम्बर का जूस, खीरे का जूस आप बोल सकते हो, वो चाहिए होगा। खीरे का जूस, खीरा हम हमारे खाने में सलाद के जैसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो उसी तरीके से खीरा आपकी स्किन के लिए, आपके फेस के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। क्योंकि जिन लोगों को पोर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पोर्स एक ऐसी चीज़ है जिसे आप मेकअप से भी हाइड नहीं कर सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मोटे मोटे पोर्स है तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, ऑयल को कंट्रोल करने के लिए, जो झुर्रियाँ हैं चेहरे के ऊपर एजिंग के मार्क्स से, उसको हील करने के लिए, डीले करने के लिए खीरे का जूस बहुत ज़्यादा काम आता है। तो मैंने क्या किया था, खीरे को अच्छी तरीके से धो लिया था, फिर कद्दूकस करके इसका जूस निकाल लिया था। मिक्सी में भी आप इसका जूस निकाल सकते हो। खीरा क्यूकम्बर बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है हमारी स्किन को लंबे टाइम तक हाइड्रेट रखने के लिए, स्किन टोन इम्प्रूव करने का काम करता है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जितना खीरे का जूस लिया है। इसके बाद हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ मिलानी है वो है सेम क्वांटिटी में 1 टेबल स्पून जितना आपको टमाटर का जूस मिलाना है। टमाटो में भर भर के एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, विटामिन सी की प्रॉपर्टी, स्किन को ग्लोइंग और वाइटिंग ब्राइटिंग करने की प्रॉपर्टीज़ होती है, और आपकी स्किन के ऊपर जो भी चाइयाँ हैं उसको रिमूव करने का काम भी टमाटर अच्छी तरीके से कर देता है, ऑयल को कंट्रोल करता है, पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। तो यहाँ पर सेम क्वांटिटी में 1 टेबल स्पून जितना मैंने टमाटर का जूस ऐड कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें सिर्फ 3 से 4 बूंद लेमन जूस की ऐड करनी है। अगर आपको लेमन जूस सूट नहीं करता है, या तो आपको स्किन पर रेडनेस हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, तो आप लेमन जूस को स्किप कर सकते हो। मैं यहाँ पर 3 से 4 बूंद लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। अब अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको ये 3 चीज़ों से ही काम चल जाएगा, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपकी ड्राई स्किन है या तो मेरे जैसी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप इसमें 1/2 टेबल स्पून जितना रेडीमेड एलोवेरा जेल मिला लीजिए। रेडीमेड इसलिए क्योंकि हमें इसे स्टोर करना है,
अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल लोगे तो ये आपका जो मिक्सचर होगा ना वो 2-3 दिन में ख़राब हो जाएगा। तो हाफ टेबल स्पून जितना मैंने यहाँ पर एलोवेरा जेल मिला लिया है। अब आप अच्छे से ये चारों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। तो जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया कि हम सारी यहाँ पर घर की ही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। मोस्ट ऑफ चीज़ें सबके घर में होती ही है क्योंकि हम खीरा टमाटर इन सबको सलाद के तरीके से खाते हैं। तो ये जो मिक्सचर है ना वो ओल्ड स्किन टाइप वालों के लिए है ही, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन भी बता दिया, साथ ही साथ ओल्ड सीजन के लिए ही है। समर में ना हम सबकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क पड़ने लगती है क्योंकि समर में तेज़ धूप के कारण सनटेन बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। तो अभी थोड़े दिन में ही, थोड़े महीनों में, एक आध महीने में समर स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ ये टोनर के जैसे ही काम करेगा। अगर आप यू नो बाहर के मार्केट के आपको टोनर सूट नहीं करते, या तो आप उसको अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो ना, तो आप ये मिक्सचर को एज अ टोनर भी यूज़ कर सकते हो। डेली आपको फेस को वॉश करना है, उसके बाद ये अप्लाई करना है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि मोस्ट ऑफ स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये पानी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और आप इसको एक यू नो स्प्रे बोतल में भरकर आप कहीं पर बाहर जा रहे हो तो आपके पर्स में भी इसको कैरी कर सकते हो। जब भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पसीना हो गया है या तो स्किन बहुत ज़्यादा डल पड़ गई है, तो आप उसी टाइम आपके फेस के ऊपर ये मिक्सचर को अप्लाई कर सकते हो। 5 या 10 मिनट में ये आपकी पूरी स्किन के अंदर एब्सॉर्ब हो जाएगा और स्किन के ऊपर एक नेचुरल ग्लो भी आपके फेस पर आ जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको जल्दी से इसको लगाने का तरीका बता देती हूँ, साथ ही साथ बेनिफिट्स क्या है, क्या हमें रिजल्ट मिलता है वो खुद आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि फेस को अच्छी तरीके से पानी की मदद से या तो फेस वॉश की मदद से धो लीजिए। फेस के ऊपर कोई भी क्रीम, कोई भी मॉइस्चराइजर या तो मेकअप ना लगा होना चाहिए। फेस एकदम साफ और क्लियर होना चाहिए। फिर एक आप कॉटन ले लीजिए, कॉटन को ये पानी में डिप करके फेस के ऊपर अच्छी तरीके से लगा लीजिए। चाहो तो जैसे मैंने आपको दूसरा एक सॉल्यूशन बताया कि आप एक स्प्रे बोतल में भरकर इसको फेस के ऊपर स्प्रे कर सकते हो, या तो कहीं पर आप बाहर जाने वाले हो तो आप आपके पर्स में भी इसको कैरी कर सकते हो। अगर समर सीजन में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क पड़ गई है या तो पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन हो गए हैं, क्योंकि ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा भद्दे दिखते हैं हमारी स्किन के ऊपर, आप मेकअप करोगे ना तो भी वो हाइड नहीं होंगे। तो पोर्स को मिनिमाइज़ करने के साथ साथ कई बार हम ऐसे गलत प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, या तो सीजन चेंज की वजह से हमारे फेस के ऊपर पिंपल आ जाते हैं, या तो हॉर्मोनल चेंजेस के कारण पिंपल, दाने, या तो पिंपल के बाद उसको निशान रह जाते हैं। तो उन सबको ठीक करने के लिए और जो क्यूकम्बर हमने यहाँ पर यूज़ किया है वो हमारे स्किन को टाइटन करेगा, क्योंकि क्यूकम्बर में ज़्यादातर तो पानी होता है, तो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, ड्राई बिल्कुल भी नहीं रहने देगा और आपकी स्किन के ऊपर जो भी एजिंग के निशान है ना उसको अच्छी तरीके से सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और अगर आप इसको डेली आपके फेस के ऊपर लगाओगे ना, तो डेली कोई भी चीज़ हमारे स्किन के ऊपर लगाने से उसका रिजल्ट भी अच्छी तरीके से और जल्दी हमें मिलता है। टमाटर में बहुत सारी अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, विटामिन सी होता है, तो स्किन को ब्राइटन करने में और स्किन को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करेगा और ऑयल को कंट्रोल करेगा। तो लगाने के बाद इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है, 5 या 10 मिनट में क्विकली ये ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो नॉर्मल सादे पानी से आप आपका चेहरा धो लीजिए। रिजल्ट आप खुद देख सकते हो, आपके सामने ही है। अभी मैंने जस्ट एक बार ही इसको अप्लाई किया है, फिर भी आपको आपके फेस के ऊपर एक फ्रेशनेस दिखाई देगी, क्योंकि आपको पता है कि जो क्यूकम्बर यानी खीरा होता है वो फ्रेशनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और पोर्स को श्रिंक करने का काम करता है, आपकी स्किन को एक कूलिंग इफेक्ट देता है, पफी आइज़ को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, ड्राई स्किन के लिए ही बेस्ट है, क्योंकि ये आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। और अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए ना, तो ये मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा वर्क करेगा, क्योंकि ये पानी है तो पानी हमारी स्किन के ऊपर जल्दी एब्सॉर्ब होता है और जल्दी एब्सॉर्ब होने के कारण रिजल्ट भी जल्दी आता है। और अगर आप इसको डेली बेसिस पर डेली लगाओगे ना, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और जो आपके स्किन के ऊपर काले धब्बे होंगे या पिंपल के निशान, एक्ने के निशान जो काले काले हो जाते हैं ना, उससे छुटकारा मिलाने में आपको 8 से 10 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप एक बार ट्राई करना, बाहर से कोई चीज़ तो हमें चाहिए नहीं, सारी घर की ही चीज़ें हैं और इतनी अफोर्डेबल है कि हम सब इसको अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप इसको डेली लगाओगे ना, तो आपको क्विक और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपको दाग धब्बे, पोर्स की, डल स्किन की, झुर्रियाँ की, या तो स्किन बहुत ज़्यादा डल पड़ गई है
ये सारी आपको प्रॉब्लम है दाने की प्रॉब्लम है, तो सारी स्किन प्रॉब्लम को ठीक करने में ये बहुत ही इजी पीजी सा जो मिक्सर है ना वो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। तो कंटिन्यूसली आप 8 से 10 दिन तक इसे यूज़ कीजिए। आप एक आपका पिक्चर ले लीजिए और 8 से 10 दिन बाद का एक पिक्चर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर कर सकते हो। डेफिनेटली आपके जो दाग धब्बे होंगे वो भी हल्के हो जाएंगे, पोर्स मिनिमाइज और श्रिंक होते जाएंगे और दाने भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, स्किन आपकी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो ओल्ड स्किन टाइप वालों के लिए साथ ही साथ इतना ज़्यादा सेफ और नेचुरल है कि आप टीनेजर हो ना, 13, 14, 15 ईयर्स के हो ना, तो भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके के आपको अफोर्डेबल DIY वीडियोस मेरे चैनल में बहुत सारे मिल जाएंगे, आप यहाँ पर क्लिक करके उसको देख सकते हो। टिल देन सी यू, बाय गाइज, लव यू ऑल।